इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। नागपुर से छिंदवाड़ा गांजा लेकर आ रहे दो तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, इसमें एक 26 वर्षीय युवती भी शामिल है। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नागपुर से आ रही एक बस में युवक और युवती के द्वारा अवैध रूप से गांजा रखा गया है, जिसकी तस्करी उनके द्वारा की जा रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर एसपी विनायक वर्मा के निर्देश पर कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत के द्वारा तत्काल इमलीखेड़ा चौक के पास युवक युवती को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनके पास से पुलिस ने 14 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवक और युवती दोनों हर्रई के सुरला खापा निवासी है, जिसमें युवती की पहचान प्रियंका नागेश पिता महेश नागवंशी के रूप में हुई है, जबकि युवक की पहचान आशीष नागेश के रूप में हुई है। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक रविन्द्र पवार, शिवकरण पांडे, युवराज रघुवंशी, जीवन रघुवंशी, आदित्य रघुवंशी, सागर मर्सकोले, महिला आरक्षक भावना और बेबी उइके की भूमिका सराहनीय रही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन आज छिंदवाड़ा पहुंचे, जिन्होंने विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने जिले के विकासखंड परासिया के ग्राम भैंसादंड में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित मध्यप्रदेश के प्रथम मत्स्य आहार संयंत्र का अवलोकन किया। उन्होंने संयंत्र के माध्यम से तैयार किए जा रहे मत्स्य आहार की प्रक्रिया की जानकारी के साथ ही मत्स्य आहार की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता, विक्रय दर, मत्स्य आहार की पैकिंग, निर्यात आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य और भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू तथा शेषराव यादव भी साथ थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर मुर्गन ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मत्स्य मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 2014 से अभी तक 9 वर्षों में बजट में बढ़ोतरी कर देश के मत्स्य विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में पहली बार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस बजट में मिनी सब प्लान के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए का प्लान किया गया है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश प्रशासन के अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर शीतला पटले, एसपी विनायक वर्मा, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इधर इस डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू मीटिंग लिया। इस डिस्ट्रिक्ट में काम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, हमारा स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, डबल इंजन सरकार अच्छा स्कीम्स लेके आ रहे, स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन हो रहे, इसके बारे में हमारा रिव्यू मीटिंग होगा। इसका कुछ कुछ हम डायरेक्शन दिया और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थोड़ा जल्दी करने के लिए भी। एंड मेरा तो फर्स्ट विजिट है इधर, हम फर्स्ट विजिट किया। हमारा मत्स्य पालन विभाग का, पशुपालक विभाग का क्या क्या आगे स्कीम्स इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा जनसुनवाई की गई, जिसमें ग्रामीण और शहरी अंचल के 191 आवेदकों के द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जनसुनवाई के आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान सभी विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, फ्री डेज, फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रेवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। मोखेड़ जनपद पंचायत के अंतर्गत गुनावाड़ी के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन देते हुए गांव में पानी की किल्लत दूर करने की मांग की।
ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी शुरू होने से पहले ही उनके गांव में भूमिगत जल स्रोत सूख चुके हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी उनके गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। कुएं में जाते भी ये पानी छिड़कने और 30 हाथ गहरा है, अभी पानी नहीं है उसमें, बाल्टी डालते गंदा हो जाता है, फिर कोई गंदा पानी लाके हम पीते पानी की। अब 20 हाथ के कुआ है, वहाँ पानी की नहीं पूर्ती, अब कुआ घूम रहे हैं हम पानी के लिए, हैंडपम्प भी सूख गए, पानी की नहीं है वहाँ पे। ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, नहाने के लिए पानी होता नहीं, ये कुआ का मात्र साधन है जहाँ से उनको पानी मिलता है। हमारी सबकी मांग है कि भाई ग्रामीणों को नियमित रूप से पानी मिले। मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी 48 वार्डों में योजना में पंजीयन के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के द्वारा अब तक 8,528 महिलाओं का लाडली बहना योजना के लिए पंजीयन किया जा चुका है। आज 1,358 पंजीयन हुए, इसमें सबसे ज्यादा पंजीयन वार्ड नंबर 22 सोनाखार में हुए हैं, जहां पर 100 पंजीयन दर्ज किए गए हैं। परतापुर में निवासरत सूचीबद्ध लोगों को पुनर्वास के लिए आवासीय पट्टा दिए जाने, अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को 25,000 रूपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने, आशा कार्यकर्ताओं की वेतन में बढ़ोतरी करने सहित अन्य 9 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे जिले की जो मूल समस्याएं हैं आवास की है, हमारे व्यापारियों को 21 वर्षों से अभी तक दुकानों की चाबी नहीं मिली, और हमारे जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी हो रही है, लगातार यहाँ से मरीज लोग नागपुर रेफर किए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस और भाजपा की सरकारें हमेशा विकास की बात करते रही है, लेकिन आज आए दिन अस्पताल में सारे मीडिया के सामने से लोगों को ज्ञात है कि कोई ना कोई मरीज आता है और उसकी दम निकल जाती है या उसे नागपुर रेफर कर दिया जाता है। इन तमाम मामलों को लेकर के हमने आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा करके हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी है, घोषणा वीर मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देते हैं और कोई भी यानी उनकी निर्णय जमीन पर नहीं आते और जनता को कोई फायदा नहीं मिलता है। जनता इस महंगाई से, बेरोजगारी से और कुछ काम न मिलने से सब परेशान है, हर वर्ग परेशान है, और इस बार निश्चित रूप से ये सरकार जाने वाली है, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि इस महंगाई से सारी जनता कराह रही है।